हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शंकर जी के जीएस में एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, इसके बाद इंग्लिश का वीडियो आएगा, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, फिजिक्स से आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया हेनरी सीले ने। उसके बाद तांबा का शत्रु तत्व, यानी कहने का मतलब कि तांबा जो है उसका शत्रु तत्व किसे कहते हैं, यानी उसका तांबा का जो दुश्मन होता है कौन सा तत्व होता है, तो वो है आपका गंधक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो सब कोई जानता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है डायोप्टर? आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो रहा है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं कैसे? एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। क्या? एसी वोल्टेज के अपचयन उपचयन करने के लिए। समान वायुमंडलीय दाब जल का, समान वायुमंडलीय दाब जल का क्वथनांक होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अमीटर से मापा जाता है, अमीटर, अमीटर से क्या मापते हैं? तो अमीटर से धारा ही मापते हैं, धारा मापा जाता है ना। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, कारण क्या है नाचने का? तो पृष्ठ तनाव होने के कारण नाचते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो परकिरणन के कारण संवर्धी अपवर्तन। चलो कोई बात नहीं, अपवर्तन के कारण तुम्हारे बात सही। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? परकिरणन के कारण। ऑप्शन में अभी पूछा गया है 2003 में पीएम के एग्जाम में, उसमें अपवर्तन ऑप्शन में आपका कहना सही है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन ऑप्शन में नहीं दिया बल्कि दिया है परकिरणन। तो क्या लगाएंगे? परकिरणन के कारण। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि रॉकेट, रॉकेट का जो पलायन वेग है, यानी रॉकेट का पलायन जो होता है न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित है। किस पर? न्यूटन के तीसरा नियम पर रॉकेट पलायन करता है। ध्यान रखिएगा कि न्यूटन का पलायन, रॉकेट का पलायन न्यूटन के तीसरा नियम पर, तृतीय नियम पर आधारित है। उसके बाद प्रक्षेप पथ होता है कैसा? परवलयाकार, परवल के जैसा होता है। परवल देखे सब्जी बनाए ना, बिल्कुल वैसा। तो प्रक्षेप पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। उसके बाद भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना का होता है? तो 24 घंटा का होता है। उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितना अधिक है? तो 4 गुना अधिक होता है। उसके बाद पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार, देखिए यहां पर बोल रहा है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना? 1/6 गुना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है, जबकि पृथ्वी चंद्रमा पर किसी पिंड का जो भार है, वजन है पृथ्वी के, उसके वजन का, उसी वस्तु का पृथ्वी का पर जो वजन होगा उसका 1/6 गुना होता है। सब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।